जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, रिश्ता क्या आपके रिश्ता क्या आपके नाम है साल लेने वाले तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप रिश्ता क्या आपके मुखातिब है गुफ्तगु करने वाले हैं, इसकी असल वजह यह है इंसान तरक्की की मंजिलों पर पहुंच गया है, लेकिन इतबार से तो अखलाक के एतबार और आपसी रिश्तेदारों के असल में कारकार बन जा रहे हैं। माँ बाप औलाद के दरमियान दुनिया है, भाई बहन के दूसरों की दुनिया है, और हमारे बीवी के अंदर भी दूरियाँ हैं, पड़ोसियों के अंदर दूरियाँ हैं, और न सिर्फ अगर कोई अमीर है तो गरीब से दूरी है, डॉक्टर है तो अपने पेशे से जो मरीज है उनसे हमदर्दी नहीं है, और हमारे रहनुमा है तो उनके अवाम से उनकी रहनुमाई से ताक दूर है, ताजिर है तो बेईमानी है, ये ईमानदारी से दूरी है, ये और टीचर है तो अपने तलबा के अंदर अखलाकी तामीर से दूर होता जा रहा है, इसी तरह आलिम है तो आलिम अपने फॉलोअर्स को अपने शागिर्दों को अखलाकी एतबार से उनको तैयार करने में उनकी तामीर सीरत के काम से दूर है। असल इसकी वजह यही है कि इंसान मादा परस्त हो गया, मफाद परस्त हो गया, और अगर हम ये खुद इस प्रोग्राम के जरिए से अवाम के अंदर और जो शुरुआत हैं उनके अंदर खुद आगही यानी सेल्फ नोइंग सेल्फ के तहत लोगों को बाशऊर बनाना, और सबसे पहले ये खुद आगही के जरिए से उम्मत है, अगर हम देखें कि बहसियत हम देखें हम एक उम्मत है, खुद आगही के प्रोग्राम के जरिए से और इस दौरान जो जिम्मेदारियां अदा करनी है, जो जिम्मेदारियों को अदा करने में जो कुछ भी कमजोरियां हैं उन दूरियां हैं उन दूरियों को दूर करना इस प्रोग्राम को मुखातिब करेंगे जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब जो माहिर साइकोलॉजिस्ट हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, कई काउंसलिंग के क्लासेस आपने मुनाकिद किए हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है काउंसलिंग क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आप तमाम शुरुआत से ख्वाहिश करता हूँ कि आप बगौर उनके बातों पर समाप्त कीजिए, अगर आप दौरान अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए मौका दीजिए, स्क्रीन शेयर। जी जी सर, सर सबको मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में आप नो बल्कि टाइप करें तो आपको गाइड किया जाएगा प्लीज, अगर ऑडिबल है तो यस कीजिए। वेरी गुड, चलो चलो राइट राइट, हर किसी को मेरे वॉइस ऑडिबल है। अस्सलाम वालेकुम, आज एक
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं हम, ब्रिजता गैप। इंसान अपनी जिंदगी तो जी लेता है, एक अहम चीज भूल जाता है, वो अपने आप को देखने में, पहचानने में पीछे रह जाता है। मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ और कैसी जिंदगी मुझे जीना है, ये दोनों जिंदगी के बीच में एक गैप आ जाता है। आज वो गैप के बारे में हम बात करेंगे, ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप का मतलब ऐसा होता है, ब्रिज द गैप एक गांव और दूसरे गांव के बीच में अगर दूरी है तो हम क्या करेंगे, तो रास्ते को एक ब्रिज डालेंगे ताकि रास्ता आसान हो। सो इसी तरह हमारे अपने बीच के अंदर भी कुछ गैप्स है, आपके और अपने आप के बीच में एक गैप है, आपके आपके रिलेशनशिप पीपल्स के बीच में एक गैप है, आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में गैप है। अगर हम आपके और अपने आप के बीच में गैप को फिलअप करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। आपके आपके रिलेशन के बीच में अगर हम गैप को ब्रिज करेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यानी कि आपके प्रोफेशन, आपके कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो गैप है, अगर हम उसको फिलअप करेंगे तो आपको पर्पसफुल मिलेगा, यानी कि मकसद भरी जिंदगी मिलेगी। यू वर्सेस यू, यू वर्सेस पीपल, यू वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, यू वर्सेस यू आपको सक्सेस देगा, यू वर्सेस पीपल आपको हैप्पीनेस देगा, यू वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पर्पसफुल लाइफ देगा। चलो ठीक है, अगर आज हम इस ब्रिज द गैप के प्रोग्राम के बारे में नहीं बात करेंगे तो क्या होगा, आप चार पांच में बता सकते हैं मुझे? आज अगर हम ये टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मालूम करेंगे तो क्या होगा, आपके राइट साइड में चैट बॉक्स रहेगा, प्लीज। ठीक है, मैं इसके ये बात को एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा। आपको अगर ड्राइविंग नहीं मालूम है, आपको ड्राइविंग मालूम नहीं है मगर आपको ड्राइविंग करना है कार को, तो क्या होगा, आप जो मंजिल जाना है, जो मकसद से आप निकलेंगे, वो मंजिल आप नहीं पहुंचेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, आपका कोई इंटेंशन नहीं रहेगा एक्सीडेंट का, फिर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। आपके आपके कार के बीच में एक गैप है, वो गैप और ड्राइविंग है, ड्राइविंग है। इसलिए जो गैप महसूस हो रहा है, वो गैप के वजह से हमें जो मकसद को, जो मकसद है वो हम पूरा फुलफिल नहीं कर रहे। इसलिए आज हम ब्रिजता गैप ही एक ऐसा टॉपिक है, अगर आज हम ये टॉपिक नहीं सुनेंगे तो हमारी जिंदगी में जो खुशियां महसूस करना है हमें, समय लेना है, हमारी जिंदगी को मकसद भर जिंदगी को बनाना है, हम उसे दूर रह जाएंगे। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज रह जाएगा, वो है मायूसी, वो है डिसअपॉइंटमेंट भरी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए आज ये टॉपिक को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो इस टॉपिक में, ब्रिज द गैप में, हम तीन एरियाज को कंसिडर करेंगे। एक एरिया फर्स्ट थिंग है यू एंड यू, यू वर्सेस पीपल, यू वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। पहली टॉपिक है यू वर्सेस यू। यू वर्सेस यू, आपके सामने एक स्क्रीन है, गैप एनालिसिस। आप ट्रायंगल में देखेंगे तो आपका एक करंट पोजीशन है, यानी कि आपकी अब की जिंदगी, और आपकी सर्किल देखेंगे तो आपका एक डिजायर जिंदगी, आपको आपकी जो जिंदगी आप चाह रहे थे। सो आपके करंट पोजीशन से, आप जो जिंदगी आप जी रहे हैं, आपकी जो ख्वाहिश भर जिंदगी है आपसे दूर है। सो इन दोनों के बीच में एक गैप है। सो अगर ये गैप को फिलअप करना है तो हर कोई ये बात कहेंगे आपको, आपके साथ आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर सिंपली अगर आपके पास प्लानिंग हो तो आपको आपकी ख्वाहिशमंद जिंदगी मिलेगी क्या? चैट बॉक्स में बना ले सकते हैं यस आर नो। सिर्फ प्लानिंग से जिंदगी, हमें जो ख्वाहिश करे वो जिंदगी मिलेगी क्या? चार बैक्स पे यस आर नो बता सकते हैं आप? नो। राइट, नो। इसलिए
हमारे पास कुछ अजीब अलग से होना चाहिए। मेरे दोस्त की एक बेटी है, एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड जो बनाई है था उनके फादर को देने के लिए, फादर्स डे के थे। मैंने पूछा ये फादर्स डे के दिन ग्रीटिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगा, और बच्ची बोली कि 4 से 5 days लगा सर। इतना छोटा ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए 4 to 5 days? हाँ 4 to 5 days लगा। जब उनके फादर बोलने लगे, बच्ची को बनाने का क्या बनाना है मालूम है, मगर कैसा बनाना नहीं मालूम है, उसको प्रोसेस नहीं मालूम है, इसलिए वो देर टाइम ज्यादा टाइम लग गया। हार्ड वर्क से भी सक्सेस मिलेगा अपने को। बच्ची यहाँ प्रोडक्ट बना दी, मगर टाइम तो गैप था, टाइम जितना दिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ली है। तो इसलिए अगर हमें प्रोसेस मालूम होगा, अगर हमें प्रोसेस मालूम होगा तो अपन जो सक्सेस चाह रहे थे वो सक्सेस आसान तरीके से मिल जाएगा। इसलिए प्रोसेस मालूम करना जरूरी है। आपके अपने आप के बीच में जो गैप आया है, आप जो जिंदगी आज जी रहे हैं और आपको जो ख्वाहिशमंद जिंदगी है, जो दोनों के बीच में वो गैप फिल अप करने के लिए एक प्रोसेस है। उसमें फर्स्ट थिंग सेल्फ डिसिप्लिन, और दूसरा फोकस, तीसरा है हैबिट्स। इन तीन चीजों से अगर आप गैप फिल अप करेंगे तो आपको जो आपका गोल है वो रीच करेंगे। फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन, एक डिग्री 212 डिग्री अगर बन जाएगा तो वाटर पे एक ऐसा स्टीम बन जाएगा और एक स्टीम ट्रेन के इंजन को पावर देने का काम करेगा। सिर्फ एक डिग्री जो बढ़ जाएगा तो इतना कुछ बदलाव आएगा वाटर में। सो इंसान की जिंदगी में अगर वो सक्सेस चाह रहा है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन वाला कदम होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है इंसान को सक्सेस के रास्ते में करीब लेने वाला है। एक सक्सेसफुल पीपल के अंदर और अनसक्सेसफुल पीपल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है। सक्सेसफुल पीपल भी चाहते कि मॉर्निंग उठ के काम करना नहीं पसंद करते, अनसक्सेसफुल पीपल भी काम करना पसंद नहीं करते, मगर सक्सेसफुल पीपल ना चाहते हुए भी काम करेंगे क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या करना है, कैसा करना है और कब करना है, ये सब सोच रखने वाले ही सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। ब्रेन ट्रेसी है, ये आदमी का नाम ब्रेन ट्रेसी है, यहाँ तक 40 to 50 किताबें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लिखी है। तो ब्रेन ट्रेसी अपने पूरे किताबों में एक चीज अच्छी बताते हैं, और इनकी एक फेमस बुक है ईट द फ्रॉग, उसमें ये बात बताते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है इंसान को सक्सेस के करीब लेके जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन से हम सक्सेस के करीब जा सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है फोकस। गैरी के ने फोकस, गैरी के ने द वन थिंग एक बुक लिखे थे, गैरी डब्ल्यू केलर ने, वो उसमें बताते हैं कि फोकस के बारे में, इंसान अपनी जिंदगी का मकसद अगर कि गोल के करीब जाना चाह रहे तो द फर्स्ट थिंग उसको फोकस करने का, फोकस नैरो करना चाहिए, फोकस नैरो करना चाहिए। अगर 1 से 4 बार फोकस करेंगे, 1 से 4 जगह फोकस करेंगे तो क्या होगा, तो वो फोकस गोल से दूर हट जाएंगे। फोकस को नैरो करो, यानी कि एक जगह ही फोकस करिए, जो चीज आपके मकसद की जिंदगी का फोकस मकसद का है उसी पर फोकस करिए। अल्लाह सुभान व तआला हर इंसान को सुबह में उठते वक्त हर एक 100% ऑफ एनर्जी लेने से प्लीज दूसरे कोई नाइट को मैंने उनका अनुरोध करिए प्लीज। अनुरोध करिए दूसरों की आवाज आ रही है जी। अल्लाह सुभान व तआला हर किसी को हर सुबह में 100% ऑफ एनर्जी लेवल से नींद दिखाता है। 100% ऑफ एनर्जी लेवल हम सुबह से लेकर शाम तक खर्चा करते हैं, और रात को 0% ऑफ एनर्जी लेवल के पास हम नींद लेते हैं। 100% ऑफ एनर्जी लेवल हम कैसा खर्चा करते हैं, सुबह में उठने के साथ हम घर के माहौल को देखने साथ ही कुछ बातों में कुछ गुस्से में क्या करेंगे, 10 से 20% ऑफ एनर्जी लेवल हम वहाँ वेस्ट करेंगे। जैसा हम बाहर निकलेंगे घर से, हम ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे,
या क्रिकेट के बारे में या मूवीज के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इमोशनल होकर बात करेंगे तो उससे 30% ऑफ एनर्जी लेवल हम वेस्ट करेंगे। सो यहाँ 50% ऑफ एनर्जी लेवल हो गया 100% में से। सो जब हम अपने को वर्कर के बारे में या बॉस के बारे में या अपने को टीचर के बारे में बात करेंगे यहाँ भी 10% या 20% ऑफ एनर्जी लेवल वेस्ट करेंगे। 30-40% ऑफ एनर्जी लेवल के पास हम हमारे अपने स्कूल के पास या कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे वहाँ 30-40% ऑफ एनर्जी लेवल के पास हमारा सिर्फ जिस्म यानी कि फिजिकल बॉडी जो रूटीन काम है वो रूटीन काम ही कर सकेंगे। अपने दिमाग से जो सोच लगाना है कुछ नया करने की सोच नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास एनर्जी लेवल बहुत कम है। हम फिर घर से घर को जब आएंगे रिटर्न से तो 10-5% ऑफ एनर्जी लेवल का आपके पास रहेंगे। जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो 0% ऑफ एनर्जी लेवल आपके पास रहेंगे। सो 0% ऑफ एनर्जी लेवल के पास आप नींद जाएंगे। सो मॉर्निंग से लेके सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक पूरे 100% ऑफ एनर्जी लेवल में अपने आप के ऊपर आप कहीं भी खर्चा नहीं किए, आपके गोल के बारे में कहीं नहीं सोचे, आपके बारे में कहीं नहीं सोचे, हमें कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे, इन चीजों से आप दूर हैं। इसलिए जब भी हम मॉर्निंग से ही लेके एक प्लानिंग वाली जिंदगी हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे शुरुआत करें या कैसा एंड करें इस दिन को। सो जब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास फोकस जमेगा। फोकस का मतलब वक्त लगाना, सोच लगाना, उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना। और तीसरा टॉपिक है बिल्डिंग हैबिट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लिंगमपल्ली से अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो आप बस से जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे 2 से 2 घंटे तो टाइम लगेगा। अगर वही मेट्रो ट्रेन लगाएंगे तो नियरली 40 या 30 मिनट के अंदर आपको यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, उस्मान यूनिवर्सिटी। सो क्यों इतना डिफरेंस आया, तो ट्रेन के लिए अपनी ट्रैक डाले गए, इसलिए वो डिस्टेंस को कम कर अपना रूट बना लिए मंजिल को पहुंचने के लिए। अगर आपके गोल को अगर आपको पहुंचना है तो हैबिट्स डाउनलोड अपडेट कीजिए, हैबिट्स को बनाइए, अपने अंदर एक अच्छे हैबिट्स को जनरेट कीजिए। अगर हैबिट्स आपके पास अच्छे हैबिट्स आपके पास होंगे तो अपने आप के लिए ट्रैक के लिए आपके गोल को रीच होने के लिए हैबिट्स मदद करेंगे। एक ट्रैक के जैसा, जैसे ट्रेन अपने ट्रैक्स पे जा रही है, सीधा साधा सीधा ट्रेन मकसद को पहुंच रही है, इसी तरह हैबिट्स अच्छे हैबिट्स भी अपने गोल को पहुंचने के लिए साथ देंगे। हैबिट्स डेवलप करते वक्त ये सोच रखना चाहिए कि जो ऑलरेडी जो गोल आपका है इससे पहले वो ये गोल रीच करे थे तो वो पर्सन से हम ज्यादा दोस्ती करें, ज्यादा गुफ्तगू करें, वो प्लेसेस पे जाने की कोशिश करो या सेमिनार अटेंड करो या वेबिनार अटेंड करो, वो प्लेसेस पर जाने का इंटरेस्ट करो, वैसे हैबिट्स डेवलप करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो गोल आपके पास है वो गोल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। इन तीन चीजों से यानी कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और बिल्डिंग हैबिट्स जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके और अपने आपके बीच में, आपके करंट स्टेट में, आपके डिजायर्ड स्टेट में, आप जो जिंदगी आप जी रहे हैं और आपके डिजायर्ड फूड या शायद पाइशमेंट जिंदगी की जो है जो गैप है उसको वो जो ब्रिज होगा ऑटोमेटिकली आपका गोल जो होगा वो रीच हो जाएंगे। हमारा अपना दूसरा टॉपिक ये है यू एंड पीपुल। यू एंड पीपुल का मतलब ये होता है You and relationship, आपसे जो भी रिलेशनशिप है, आपसे जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप के आपके बीच में और आपके रिलेशनशिप के बीच में एक गैप आया हुआ है। मेरे वॉइस क्लियर है ना? Yes. Go ahead. ठीक है. आपके सामने यू एंड पीपल यानी कि यू एंड रिलेशनशिप आपके बीच में और आपके रिलेशनशिप के बीच में जो गैप्स है अगर आप हम वो फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में और आपके रिलेशनशिप के बीच में भी एक अच्छी खुशहाल हैप्पीनेस मिलेगा। सो आपके सामने एक फ्रूट का बक्सा है, देखिए हर किस्म का फ्रूट है। अगर मैं फ्रूट्स एप्पल को मैंगो के जैसा, मैंगो को बनाने के जैसा, ग्रेप्स को एप्पल के जैसा खाऊंगा तो चलेगा क्या? चार्ट बात में बता सकेंगे, यस आर नो? नो, वेरी गुड, नो। क्योंकि हर फ्रूट पर एक यूनिकनेस है, हर फ्रूट पर एक यूनिकनेस है जो यूनिकनेस के हिसाब से हमें खाना चाहिए। सो इसलिए इसी तरह इंसान के अंदर भी एक यूनिकनेस होता है, इंसान के अंदर भी एक यूनिकनेस होता है, इसलिए वो यूनिकनेस पहचानना चाहिए। अगर हम वो यूनिक हर एक जैसे हम
हर एक भी एक ही बर्ताव एक ही बिहेवियर से हम रिसीव करेंगे, एक ही सोच से हम हर किसी से बात करेंगे तो नहीं चलेगा। हम वो आदमी के यूनिकनेस पहचानना चाहिए। यूनिकनेस बोले तो वो आदमी के पास हम कितनी कौनसी हद तक बात करेंगे या मजाक कर सकते हैं, आपने सजेशन दे सकते नहीं, कौनसी बात कौनसी बारे में बात कर सकते हैं, कितना नॉलेज है वो आदमी के पास। ये चीज हर आदमी के अंदर यूनिकनेस होता है, वो यूनिकनेस को पहचान के हम रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन को रखना चाहिए। सो जो चीज वो आदमी को मालूम नहीं है, बार बार हम वो चीज के बारे में प्रेजरेस करें तो वो रिलेशनशिप के बीच गैप हो जाएगा। इसलिए आदमी के यूनिकनेस को पहचानना जरूरी है, वो यूनिकनेस के हिसाब से हम बात करना चाहिए। दूसरी चीज है यू एंड पीपल के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में गैप के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन हर इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर बोलने के लिए ज्यादा है। इसलिए सुनने की आदत इंसान के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन में। सो एक बार एक जगह ऐसा होता है, शोहर और बीवी बार बार झगड़ते रहते हैं, फाइटिंग होती रहती है इन दोनों के बीच में। सो एक बार बीवी को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती है अपने पड़ोसी में भी शोहर बीवी रहते हैं, वो हर बार खुश रहते हैं, किसी आज तक कितने सालों के बाद भी एक बार भी उनके घर से आवाज नहीं है, वो क्यों खुश है और हम क्यों लड़ रहे हैं, एक बार जाके देख के और उनके गुस्से से बीवी कहती है। तो शोहर सही भी वो भी शोहर बीवी है, बहुत खुश रहते हैं, क्यों हम लड़ रहे हैं ये चीज मालूम करने की बात है। इसलिए वो शोहर क्या करते हैं बोले तो पड़ोसी के घर के पास जाके खिड़की में से देखते, विंडो में से देखते, देखते कि हर कोई अपने काम में जीती है, बीवी कुछ काम करते रहते हैं, शोहर भी कुछ काम करने से बैठे हुए रहते हैं। तो देखते कि शोहर सीढ़ियां पे से उतरते वक्त, ये आदमी बाहर से देख रहा है, सीढ़ियां पे से उतरते वक्त पैर पर कुछ लग के गिर जाता है। तो दूर से बीवी देख के भाग के आते हुए बैंडेज करते हुए और पट्टी बांधते हुए कहती है कि अरे अरे मेरी गलती है जी, मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई, मैं जो चीज रखी है आपके पैर को लग के आप गिर गए, मेरी गलती है, मुझे माफ करो। शोहर जब बोलता है आपकी गलती क्यों होती है, मुझे अल्लाह ताला आंख दिया है, मैं देख नहीं सका, मेरी गलती से मैं गिर गया, सो इसने आपकी क्या गलती है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं। ये दोनों की गुफ्तगू बाहर जो आदमी है वो सुनता है, सुन के खामोश चले जाता है। जब वो घर जाता है तो आप उनकी बीवी पूछती है फिर से, आपको मालूम है वो लोग क्यों खुश है और हम क्यों लड़ रहे हैं। तो जब शोहर जवाब देता है, देखो बेगम वो इसलिए खुश है, वहाँ एक दूसरे की गलती को इजहार करते हैं और माफी मांगते हैं, एक दूसरे की गलती को इजहार करते हैं और माफी मांगते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में खुशी है। या हम इसलिए झगड़ते हैं, या एक दूसरे को मैं अपने आप को हम बताने दूसरों को गलत बताते हैं, मैं अपने आप को सही करने के लिए आपको गलत बता रहा हूँ, आप अपने आप को सही करने के लिए आप मुझे गलत कर रहे हैं, इसलिए आपके बीच में बहस चल रही है, हम लड़ रहे हैं। इसलिए जहां भी हम कम्युनिकेशन करेंगे दूसरों की गलती बताने के लिए, दूसरों की गलती बताने के लिए या दूसरों के कम्युनिकेशन में डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये चीज है, ये किस्से के हमें मालूम होता है। दूसरी चीज, एक 6 महीने का बच्चा या 5 महीने का बच्चा बिस्तर पे जोर जोर से रो रहा है, उसकी क्या क्या वजह होगी रोने की, यानी कि उसका पैंपर बदलना होगा या उसे भूख लगी होगी, कुछ और भी होगा, वो सेकेंडरी चीज है। अगर माँ दूर से आवाज देती है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए खामोश होगा। बच्चा का प्राइमरी नीड क्या है वहां पर बोले तो उसको अटेंशन होना चाहिए, उसको तवज्जो होना चाहिए, उसके तरफ कोई भी नहीं देख रहे। सो माँ जब दूर से आवाज करेंगे तो क्या हो, माँ बच्चा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएगा, या माँ करीब आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा हंसना शुरू करेगा। सो बच्चा यहाँ सिर्फ अटेंशन की ख्वाहिश है। अपने कम्युनिकेशन में भी हम कभी भी जब भी किसी से बात कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से या कोई पर्सन से, तवज्जो रखना चाहिए, इंटरेस्ट से बात करना चाहिए। सो इन चीजों का ख्याल रखते हुए हम कम्युनिकेशन करना चाहिए। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है आपके सामने एक स्क्रीन है, देखिए अगले वाले कभी भी हमसे बात करते वक्त ये तीन चीजों का ख्याल रखते हैं, ये तीन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। अगले वाले जब भी हमसे कोई बात कर रहे हैं तो इन तीन चीजों का ख्वाहिश रखते हैं। ये ख्वाहिश जो रखते हैं अपने अंदर भी ये ख्याल रखना चाहिए, ये इन तीन चीजों का ख्याल रखते हुए हम अगले वालों से बात करना चाहिए। ये ख्वाहिश अगर दूसरों को मिल गई, पूरी हो गई, तो कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट थिंग क्या है, डू यू केयर अबाउट मी, आप हमारे मेरे बारे में केयर करते हुए बात कर रहे हैं, या डू आई ट्रस्ट यू, आप मुझे ट्रस्ट करेंगे, या कैन यू हेल्प मी। इन तीन चीजों का ख्याल रखते हुए हम दूसरों से बात करना चाहिए।
कभी भी ये चीज रखते हुए हम दूसरों से बात करेंगे तो अगले वाले की नीड फुलफिल होगी। जब अगले वाले की नीड फुलफिल होगी, आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन कभी भी गैप नहीं होगा, वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। तो इन चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बीच में और आपके पीपल के बीच में, यानी कि आपके रिलेशनशिप के बीच में जो भी गैप होगा फिल अप होगा। सर कम्युनिकेशन फर्स्ट थिंग हम क्या डिस्कस करे थे इसमें, आपके और रिलेशनशिप के बीच में चार बॉक्स से बताइए प्लीज। यूनिकनेस को पहचानना होगा, आदमी के अंदर का यूनिकनेस पहचानना होगा। दूसरा कम्युनिकेशन को पहचानना होगा। तीसरा, इन तीन चीजों का ख्याल रखते हुए हम दूसरों से कम्युनिकेशन करना होगा। सो इज इट माई क्लियर हूँ अदर भाई? यस यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर। अभी कितना टाइम है आपके लिए? 30 मिनट्स, 20 मिनट्स अभी? हाँ 20 मिनट्स जी। अगर कुछ सवाल है तो यहाँ पूछ सकते हैं मुझे जी। आपके सेशन के बाद ओपन सेशन रखेंगे 5 मिनट। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। सो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे यू एंड यू के बीच में गैप फिलअप करें, आप यू एंड पीपुल यानी कि यू एंड रिलेशनशिप के बीच में जो गैप फिलअप करें। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये यू एंड यू के बीच, यू एंड पीपुल के बीच में Nobody cares how much you know until they know how much you care. So, आपको कितना इल्म है, कितनी मालूमात है, ये कोई किसी को जरूरत नहीं है, बस इतना चाहता है अगले वाले आप कितना केयर करते हैं हमें। एक फेमस कोटेशन है, ये भी एक ब्रेन ट्रेसी का कोटेशन है, जस्ट लाइक द ग्लास वंस इट इज बीन ब्रोकन इट विल नेवर बी द सेम। सो इसे कम्युनिकेशन से help people, even help even you know they can't help you, मदद करिए उनकी जो वो लोगों की जो रिटर्न में वो मदद नहीं कर सकते, अपने को उन लोगों के लिए भी मदद करना चाहिए। थर्ड टॉपिक है अपना यू एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस यहाँ है प्रोफेशन हो, स्कूल हो, या कंपनी हो, या सोसाइटी हो, या नेशन हो, इन चीजों जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। आपके और आपके स्कूल के बीच में कुछ गैप होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बीच में या शॉप के बीच में कोई गैप होगा। ज्यादा से ज्यादा पीपल क्या करेंगे, हम नेगेटिव थॉट रखेंगे स्कूल के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर। जब भी हम नेगेटिव थॉट रखेंगे किसी चीज के ऊपर, अपने अंदर से कोई ख्वाहिश ही नहीं बनती कुछ देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपके प्रोफेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, या नेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, या कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट के लिए वर्क करने की सोच अपने अंदर नहीं रहती जब हम नेगेटिव थॉट के नेगेटिव रखते। इसलिए चाहिए आपके प्रोफेशन के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या कंपनी के बारे में। अगर आप एक जापान के बच्चे को पूछेंगे आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं बेटे, बोले तो जापान का बच्चा जवाब ये देगा, डेवलपिंग कंट्री आई एम स्टडिंग इन फोर्थ क्लास, मैं अपने कंट्री के लिए डेवलप करने के लिए मैं फोर्थ क्लास पढ़ रहा हूँ, ये कहेगा। अगर उनके वालिद साहब को, उनके फादर को भी आप ये सवाल पूछेंगे तो मेरा बच्चा ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फोर्थ क्लास पढ़ रहा है। सो ये हर लोग वहां से, यानी कि स्टूडेंट्स लेवल से लेके हर कोई कंट्री को कंट्रीब्यूट करने की सोच रखता है, तो वो कंट्रीब्यूशन रखने की सोच की वजह से आज जापान फुल डेवलप हुआ है। इसलिए कंट्रीब्यूट करने की सोच हमें रखना चाहिए, चाहे वो स्कूल को हो, या प्रोफेशन में हो, या कंपनी को हो, या ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री को हो, या सोसाइटी को हो, या फॉर्म को हो, किसी चीज को भी किसी प्लेस पे कुछ कंट्रीब्यूट करने की सोच हमें रखना चाहिए। जब ये सोच अपने पास रहेगी तो आपकी जिंदगी में पर्पस बनने का, यानी कि मकसद भरी जिंदगी होगी। सो आपको मकसद भरी जिंदगी करना है तो बनाना है तो आपके बीच में ऑर्गेनाइजेशन के जो गैप आया है उसे हम फुलफिल करना चाहिए। उसमें पहली चीज जो है पैशन, पहली चीज पैशन, आपके लव योर प्रोफेशन। सो जो ख्वाहिश अंदर होती है, मुझे ये करना था, वो करना था, जो ख्वाहिश होती है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो ख्वाहिशमंद वर्क नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वक्त के प्लेस में या अपॉर्चुनिटी के उसके वजह से हम वो जो हम बचपन से जो ख्वाब देखे वो ख्वाब को रीच नहीं होंगे, जो काम हाथ में मिल गया वो काम के अंदर कठिन हो गए। मगर क्या करना है, सो पीछे नहीं जा सकते, इसलिए जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसे पैशन बनाइए।
उसको अपने दिल से आवाज दीजिए कि मुझे ये करना है, दिल से करना है। सो फिजिकली करना नहीं, मेंटली हार्ट से करना है। सो जब वो फिजिकली करेंगे तो वो प्रोफेशन कहते ही रह जाएगा सिर्फ। सो इसलिए अपने अंदर से जो चीज है, जो दिल से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पैशन बनेगा। इसलिए हम उसे पैशन से करना होगा, अंदर से करना होगा। आप देखेंगे जो आदमी पैशन से वर्क करेगा, वर्क विद पैशन, इट नेवर किल्स एनीवन। जो आदमी वर्क करेगा पैशन से, वो नेवर स्ट्रेस को कभी स्ट्रेस नहीं लेगा। जो आदमी जिसको जो काम पसंद नहीं है, वो वर्क पे स्ट्रेस फील करेगा। जब आदमी स्ट्रेस फील करेगा, वो वर्क के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिर्फ चलो यार बजे चार काम हो गया, ये सोचते हैं वो काम करेगा। इसलिए स्ट्रेस से काम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्ट्रेस से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होगा। इसलिए अपने जो भी प्रोफेशन में है उसको पैशन बनाइए, उसको उससे मोहब्बत रखिए, काम करने में मजा लीजिए। एक बार विंस्टन चर्चिल ने रात में एक जर्नी करते वक्त क्या हुआ था, वो कार में कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था। वहां बहुत सारे ऑफिसर से पेड़ हटाने की कोशिश कर रहे थे, वहां के लेबर जो है पेड़ हटा रहे थे, उनकी ताकत बस नहीं हो रही थी। वहां ऑफिसर सिर्फ गाइड कर रहे थे, कोई पेड़ को छी रहे थे, सिर्फ गाइड कर रहे थे। विंस्टन चर्चिल वो अंधेरे में उतर के क्या करते हैं, वो पेड़ को ढकेलने की काम साथ देते हैं। वो पूरी ताकत लगा के उनसे मिलके, वो लेबर से मिलके, अमेरिका प्रेसिडेंट है वो, सो झाड़ को हटाने पूरी मदद करके हटा के बाजू में रख देने के बाद ऑफिसर को बुला के एक विजिटिंग कार्ड देते हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप जब भी कहीं भी पेड़ गिरेंगे तो हमें बुला लेना, मैं मदद करूंगा। तो विजिटिंग कार्ड लेके ऑफिसर देखते कि हाय कौन ये आदमी, इतना विजिटिंग कार्ड देके मुझे बोल रहा है, तो देखते कि वहां का प्रेसिडेंट है। सो देखिए विंस्टन चर्चिल का एक ख्वाब था उनके कंट्री को डेवलप करने का, उनके आदमियों को खुश करने का, यहाँ तक कि वो भूल गए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। एक लेबर के साथ जो भी काम है करने की ख्वाहिश रखते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में ख्वाहिशमंद काम करेगा तो बहुत से ज्यादा वर्क करेंगे, और जैसा भी काम रहेगा वो अपनाने के लिए रेडी रहेगा। इसलिए जो भी प्रोफेशन में आप है, द फर्स्ट थिंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में गैप फिलअप करने के लिए आपको पैशन नेट होना चाहिए। आपके वर्क को, आपके प्रोफेशन को आपको लाइक करना चाहिए। दूसरी चीज है रिस्पांसिबिलिटी, आपको रिस्पांसिबल बनना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए। एक बार ऐसा होता है कि एक बार बच्चा गेम खेलते हुए नीचे गिर जाता, नीचे गिरने के वक्त गिरने के बाद पेरेंट्स क्या करेंगे, जहां हाथ लगाते देखते रहते, कहां दर्द है बेटे, कहां दर्द है बेटो, जहां भी वो बच्चा हाथ लगाते रहते ना, वहां दर्द है, पेन से रोता रहता, माँ बाप परेशान होते रहे, जिसम पूरा दर्द हो रहा, ऐसा क्या लगा, कैसा, कहां से गिरे, इमिडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद डॉक्टर भी, बताओ बेटे कहां दर्द है आपको, तो वो बच्चा भी क्या करता है, जहां भी हाथ लगता है ऑटोमेटिकली वहां पेन महसूस करता है। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, अरे बच्चे का कहां भी हाथ लगे तो दर्द हो रहा है, ऐसा कैसा हुआ। तो डॉक्टर इमिडिएटली बॉडी स्कैन के लिए भिजाते हैं। सो बॉडी स्कैन में ये महसूस होता है, ये मालूम होता है कि बच्चे की बॉडी पूरी क्लीन है, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे के उंगली के अंदर जो सामने के पिन पॉइंट के जगह फ्रैक्चर हुआ है। सो एक जगह फ्रैक्चर हुआ है मगर बॉडी के अंदर पूरा पेन बता रहा है। हम भी क्या करेंगे, अपने अंदर जो गलत है वो नहीं देखेंगे, जहां जहां गलती नहीं है वहां भी हम क्या करें, दूसरों के अंदर जांचने की ख्वाहिश रखते हैं, दूसरों के अंदर गलतियां बताने की ज्यादा से ज्यादा सोच रखते हैं। इसलिए जहां जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोच हमारी होगी। सो हम जब भी कोई मसला आ जाएगा अपने सामने क्या करेंगे, हम छूटने के लिए या बचने के लिए कोशिश करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम ब्लेम गेम खेलेंगे, यहाँ के ये काम क्यों नहीं हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कोई ऑफिसर पूछेगा तो हम ब्लेम करेंगे। क्यों ऐसा ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, या स्कूल में तो पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, को ब्लेम करेंगे, या बच्चों को ब्लेम करेंगे। किसी हाल में हम क्या करेंगे, किसी को ब्लेम करके बचने की कोशिश करेंगे। सो रिस्पांसिबिलिटी जहां नहीं रहेगी, हम रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे तो 99% वहां आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं रहेगा। सिर्फ हम जाएंगे और आएंगे, चलो यार बजे चार, जाएंगे और चार बजेंगे हम घर को रिटर्न आएंगे, ये हमारी जिंदगी होगी। अगर आप वो रिस्पांसिबिलिटी लेंगे तो आपकी जिंदगी में मकसद रहेगा। मकसद जब जिंदगी में जागेगा ना, ऑटोमेटिकली हम कुछ करने की ख्वाहिश से हम काम करेंगे। उतना ही नहीं, विक्रम साराभाई एक बार सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल होता है,
वो मीडिया को फेस करने में हिचकिचाते हैं। पीछे से एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मीडिया के सामने आ जाते हैं, मीडिया के सामने आके पूरी बात बताते कि सैटेलाइट क्यों फेल हुआ, पूरी बात बता देते। तो ठीक है चलो, कुछ 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 दिन के बाद फिर से एक बार सैटेलाइट सक्सेस होता है। सैटेलाइट सक्सेस होने के बाद क्या होता है बोले तो विक्रम साराभाई ने फिर से बोले, जब फेल हुआ था आप मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मीडिया को फेस करे थे अब्दुल कलाम, आज सक्सेस हुआ तो आप ही फेस करो मीडिया को। फिर एपीजे अब्दुल कलाम मीडिया को फेस करके बताते हैं कि सैटेलाइट क्यों सक्सेस हुआ और कैसा सक्सेस हुआ। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। सो इसलिए हम जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसका रिवर्स क्रेडिबिलिटी आपकी जिंदगी में आएगा। सो इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आज स्कूल्स डेवलप नहीं है, बच्चे डेवलप नहीं है, कुछ भी डेवलप नहीं है तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। हाँ, वहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है इसलिए कमी महसूस हो रही है। सो आपके और आपके प्रोफेशन के बीच में जो गैप है इन दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपके प्रोफेशन को पैशन बनाइए और जो भी चीज़ है जितनी भी जो जितना हो सके थे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ख्वाहिश रखिए। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है, इन पांच चीजों को हमें ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज ट्रेन देम और टीच देम। मैं पहली बात बताया था पैशन, दूसरी बात कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं तीसरी बात बता रहा हूँ वो है ट्रेन अदर या टीच अदर। दूसरों को सिखाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। दूसरों को सिखाने की ख्वाहिश के अंदर पांच स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आई डू इट। जो भी इल्म मेरे पास है, जो भी तजुर्बा मेरे पास है, जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, आई डू इट, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। दूसरे स्टेज में क्या है, आई डू इट यू आर विथ मी। सो आई डू इट, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई आइए। दूसरों को लेके काम करने की सोच रखना चाहिए, दूसरों को सिखाने की सोच रखना चाहिए दूसरों सेकंड स्टेज में। तीसरे स्टेज में क्या करना है आपको बोले तो यू डू इट, आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप करिए आपके साथ हूँ, या हम दूसरों को मदद कर रहे हैं सीखने के लिए तीसरे स्टेज में। फोर्थ स्टेज में क्या करना है आपको, आप अपने आप करिए, यू डू इट यूर सेल्फ, आप अपने आप करिए। और फिफ्थ स्टेज में क्या करना है आपको, यू डू इट एंड समबडी विथ यू, आप करिए और दूसरों को आपको दूसरों को साथ दीजिए। सो यहाँ ये फाइव प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है आपको, जो भी नॉलेज हमारे जिंदगी में हम गेन करें हैं, जो भी एक्सपीरियंस हम गेन करें हैं उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। जब नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, जब एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है दूसरों को, ऑटोमेटिकली जो भी वर्क होगा वो आसान होगा। जब नॉलेज शेयर होगा तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, हाँ मुझे ये चीज बताना है, मुझे ये चीज देना है सोसाइटी को, बच्चों को या पेरेंट्स को या कोई एम्प्लॉय को। तो ये फाइव प्रोसेस को हम अपनाना चाहिए। आई डू इट, मुझे मैं सीखा हूँ, मुझे मालूम है, मैं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आई डू इट एंड यू आर विथ मी, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ आप आइए, मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरे स्टेज पे आप करिए, मैं आपका साथ दूंगा। चौथे स्टेज पे आप अपने आप करिए। फिफ्थ स्टेज में आप करिए और आप दूसरों को भी सिखाइए। तो ये प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज जो है वाइड वाइड होगा, यानी कि स्प्रेड होगा ऑटोमेटिकली, आपका एक्सपीरियंस दूसरों को भी मदद मिलेगी, ऑटोमेटिकली दूसरों की लाइफ आसान होगी। सो इन चीजों से हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, प्रोफेशन के बीच में जो गैप आया है वो गैप फिल अप करेंगे। सो ऑटोमेटिकली आप ये जो तीन चीजें आपको फिल अप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक मोमेंटम डेवलप होगा। यू एंड पीपल एंड यू आर ऑर्गेनाइजेशन को आप सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक मोमेंटम, एक स्पीड आपके अंदर डेवलप होगी। आज किसी एक बार यू कंक्लूड करूंगा मेरे सेशन को, आपको यू एंड यू के बीच में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, फोकस करना चाहिए एंड बिल्ड हैबिट्स करना चाहिए। आपके और अपने आप के बीच में सक्सेस होना चाहिए, आपके गोल को रीच होना चाहिए, तो इन तीन चीजों को आपको वर्क करना चाहिए। आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में जो गैप को फिलअप करना चाहिए तो उनके यूनिकनेस को पहचानना चाहिए, कम्युनिकेशन को सही करना चाहिए और केयर ट्रस्ट हेल्प ये फीलिंग रखते हुए दूसरों से बात करना चाहिए। और आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो गैप आया हुआ है इसको फिलअप करने के लिए वर्क विथ पैशन,
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेन पीपुल। सो ये चीजों से अपने बीच में जो भी आया है ब्रिज द गैप, जो ब्रिज करेंगे ऑटोमेटिकली एक अच्छी मकसद भरी सक्सेस जिंदगी, खुशहाल जिंदगी और एक पर्पसफुल लाइफ को हम गेन करेंगे। सो दिस इज अजहर साहब, माय सेशन ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो गया, अगर कुछ पूछना चाहे तो मुझे पूछ सकते हैं अजहर साहब। यस सर जी, अभी मैं सबको अनम्यूट किया हूं किसी एक बात करिए जी। सर अजय भाई, सर ये बीच में का टाइम दीजिए सर, मैं सर से आ रहा हूं सर, इसकी सेक्रेटरी आके बोला है उन 1 मिनट का टाइम दीजिए। अरे सर आप अजय हुसैन साहब सर आपका माइक ऑन करके बात कीजिए करीम साहब। करीम सर बात कीजिए। हेलो, हाँ सर बोलिए करीम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जजाकल्ला, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। और अच्छा यूसुफ भाई अपने क्या बोलते स्लाइड्स के जरिए से अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें, हमारे लिए पहला प्रोग्राम है जिसमें हम शरीक हुए सो, ऐसा इत्तेफाक हम उससे पहले नहीं हुआ था। सर बोलिए सर, करीम सर कंटिन्यू। अजहर साहब अगर मोइन साहब भी है तो उनसे भी तो बात करवाइए। यस करीम सर सर बोलिए सर, एक मिनट है आपके पास, आवाज आ रही है आपकी। भाई ये बोला जा रहा था अदर भाई जी, सुबह को शुक्रिया अदा करना चाह रहा था भाई जी, जी सुबह जो है ना बेहतरीन अंदाज में अपना प्रेजेंटेशन रखे जी माशाल्लाह, आईटा की जानिब से मैं आपका ममनून मशकूर हूँ। और इस चीज़ से मजीद तफसील अगर रहा तो बेहतर था, बात बात दफा थोड़ा डिसिप्लिन से रहा था, जो बातें थी ना मुकम्मल ऐसे से खुल के नहीं है ऐसा मैं महसूस करो। ठीक है सर, जी इंशाल्लाह फिर से एक बार ऑफलाइन प्रोग्राम भी करेंगे इसके ऊपर। जजाकल्ला सर, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ आयशा मैडम अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके माइक ऑन करके एक मिनट बात कीजिए आप। आयशा मैडम डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर हमारे डिस्ट्रिक्ट संगाड़ी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आयटा के जिम्मेदारान संगाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो भी जिम्मेदार हैं उन तमाम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना अच्छा एक मुनाकिद किया है, वो भी जूम मीटिंग के जरिए से। जूम मीटिंग एक ऐसा जरिया है जो हमें घर बैठे या ऑफिस में बैठे हुए तमाम मालूमात इकट्ठा हम कर सकते हैं, एक दूसरे से शिरकत दारी बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के ख्याल से वाकिफ हो सकते हैं और तलबा की क्लासेस ले सकते हैं। हम लोग भी तकरीबन डिग्री कॉलेज के तलबा को एक महीने से क्लासेस ले रहे हैं, 15
अप्रैल का 15 मई तकरीबन एक महीने क्लास कर रहे हैं। ये एक अच्छा जरिया है, इसके जरिए से हम हमारे असातिज़ा हम सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जूम। और आज का जो यूसुफ साहब का जो लेक्चर था, मैं सुनी वो, यूसुफ साहब ने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो सारे ख्याल किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अहम निकात को पेश किया है और जिस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मैं कल का सेशन भी वैसा ही रहेगा और मैं आप तमाम को मुबारकबाद देती हूँ और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही हम घर बैठे अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है ना तमाम लोगों से जुड़कर आईटा के मेम्बरान से जुड़कर हम जो है ना इस तरह के सारे ख्याल करेंगे, एक दूसरे के ख्याल से वाकफियत हासिल कर सकेंगे। ये एक टेक्निकल टीम का काम है जो बेहतरीन कारनामा है हमारे लिए और अच्छा सा तजुर्बा भी रहा माशाल्लाह से। पहली बार जो शुरू किया आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इससे फायदा होना चाहिए, असातिज़ा को फायदा होना चाहिए बेशक। हाँ मुझे खुशी हुई और इंशाल्लाह कल इसके मकासिद पूरे हो जाएंगे, कल भी जो बाकी है ना काम जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा, आज पहली बार पार्टिसिपेट हुआ मैं भी। शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह इसी तरीके से हमारे काम को कामयाब। अस्सलामुअलैकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। हमारे अजहर साहब अस्सलामुअलैकुम। सलाम सर जी। कंक्लूजन में अभी मुजीब साहब ने कहा है कि मैं कुछ कहूँ तो ये जो एरर्स है ये तो आएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो स्लाइड्स डालकर जिस तरीके एक दूसरे के दरमियान जो गैप है उसको करने के लिए उसी हिसाब में जो बातें बताई है वो बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि मीटिंग सक्सेसफुल रही और करीम साहब की जो तशरीफ है वो वक्त कम दिया गया है मैं समझता हूँ साहब को, वरना वो अपने ख्याल को समंदर को खोजने में बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश किए हैं हमारे यूसुफ साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका और जितने पार्टिसिपेंट्स ने इसके अंदर शिरकत की है मैं उन तमाम का शुक्रिया। और इस तरीके के प्रोग्राम्स को बाजाबता बनाने के लिए हमारा जो नेट कमजोर है, नेट का जो इंटरनेट कनेक्शन उसको बेहतर बनाएंगे तो मैं समझ लगे सारे प्रोग्राम सक्सेस होंगे। और इन प्रोग्राम्स की वजह से लोगों की जो आने जाने की जो मुसीबतें होती है वो दूर होती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और पिता का शुक्रगुजार हूँ। और इस प्रोग्राम को बनाने वाले जो भी है सदर या डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट पर मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। कल इंशाल्लाह सब लोग ब्रॉड माइंड होकर बैठेंगे और टाइम एक मैं समझता हूँ कि टाइम बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा मशवरा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ही अपने जरूरी ख्याल को मुख्तसर वक्त में पेश करें। मीर मुमताज अली साहब। मुझे सर मैं जो तो मेरे कान बोला कट गया, क्या बोलूंगा जी, टाइम देना पड़ता शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है हो गया। अदर साहब यस सर सर हो गया सर अगर मुमताज साहब नहीं है तो हमारे इस जूम कॉन्फ्रेंस के रोरवा जनाब असगर साहब से वाइस प्रेसिडेंट एसआईओ सॉरी वाइस प्रेसिडेंट आईटा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक अपने जरूरी ख्याल से नवाजे तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आवाज आ रही जी? आ रही सर। मुमताज साहब
जी मैं संगारी टीम का मुबारकबाद पेश करता हूँ संगारी टीम को, जनाब करीम साहब, अयाज साहब, अजहर साहब और खासतौर से जनाब अजहर हुसैन साहब ने जो पूरे हमारे जूम के जरिए जितने भी प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं, यह पूरी कंप्लीट रास्त अजहर हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट एटा स्टेट की जानिब से किए जा रहे हैं। उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने संगारी टीम को अपने इतमाद में लिया, लेकर ये काम करने की कोशिश की। और खास तौर से मैं जनाब मुनीब साहब का और जनाब यूसुफ साहब जो हमारे ट्रेनर हैं आज के और काफी अच्छे आपके ट्रेनर साबित होंगे हमारे लिए इंशाल्लाह, कल के सेशन को भी आपको हम लोग गौर से सुनिए। मेरी अजहर साहब से गुजारिश है कि इस सेशन के अंदर जनाब वही पाशा पीजीएच भी मौजूद है जो काफी तजुर्बेकार है सरकारी के लिए, जनाब महमूद साहब मौजूद हैं, अगर कुछ टाइम रहा अयाज साहब के इस्लामी कलमात से पहले अगर उनको दे तो मुनासिब रहेगा। खुदा हाफिज़। जनाब वहीद पाशा साहब पीजीएचएम से ख्वाहिश है कि वो भी आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। लॉकडाउन के मौके में यहाँ पर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंडिविजुअल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो टॉपिक लिया गया है बहुत बेहतरीन है। वृद्धि गैप हमें बहुत सारे खूबियां रहे थे, हम उसको और करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे यूसुफ साहब बेहतरीन अंदाज में पेश करें, हम इसी तरह के प्रोग्राम जो है आगे कंटिन्यू करते बेहतर रहता। डिस्ट्रिक्ट की टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो बेहतरीन प्रोग्राम लेके सामने है। जज़ाकअल्लाह सर। मुजीब साहब कंटिन्यू। उसी के साथ साथ मैं हमारे सीनियर टीचर जनाब महमूद साहब रियाजी स्कूल असिस्टेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्याल का साथ हूँ। जो स्टेट आरपी के एसएस से हमारे साथ काफी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। महमूद साहब आपका माइक ऑन कीजिए। महमूद साहब शायद आवाज नहीं है सर। महमूद जी सर, मोइन साहब प्रेस सेक्रेटरी भी अगर हैं, अगर महमूद साहब आने तक तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मोइन साहब प्रेस सेक्रेटरी स्टेट आईटा से कि वो भी अपना ख्याल आपके साथ हमें। नहीं है सर, मोइन सर नहीं आ रहा है। हेलो, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट साहब सैयद यूसुफ साहब मौजूद हैं। ये चाहता हूँ कि आप ही अपने ख्याल का इजहार करें। हमारे पास मीटिंग कंप्लीट करने के लिए वालेकुम सलाम सर। जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप। खास तौर पे यूसुफ साहब को मुबारकबाद देंगे। उसके साथ में एक मशवरा यह है कि उनकी स्पीच में थोड़ा फ्लो थोड़ा कम तो बेहतर होता, स्पीड ज्यादा है थोड़ा मैनेज करके अगर थोड़ा टाइम लेके और अच्छा जरा एक्सप्लेन करें तो जो है लोगों को आसानी से जो है समझने में आसानी। सही बात है। ओके सर, जज़ाकअल्लाह। आया सर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट आएगा। मैं काम नहीं करेगा। आया सर जी जी
वही सर समीर साहब नहीं है क्या? सर लास्ट टू मिनट से सर आया सर, कंक्लूड कीजिए। तमाम मेम्बरान जो पार्टिसिपेट किए हैं और जो हमारे हास्ट हैं उन सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर। लास्ट अजगर सर आप कंक्लूड कर दीजिए सेशन को। जज़ाकअल्लाह। अभी अपने पास अभी दो मिनट बाकी हैं, एक पार्टिसिपेंट को मौका है कि मैं जनाब सिराज साहब या आबेद मीर आबेद अली साहब, इन दोनों में से कोई एक अपने ख्याल का इजहार करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी आज के सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पार्टिसिपेट था, बहुत खुशी हुई ऐसे प्रोग्राम को देखकर। इंशाल्लाह अभी लॉकडाउन की सूरत में ऐसा प्रोग्राम रखना बहुत फायदेमंद है। जज़ाकअल्लाह। ओ मुझे भाई एक मिनट, वहीद सर समझ नहीं क्या? ये जो प्रोग्राम चल रहा मुझे भाई एक मिनट सर, प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग कल के प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि वक्त कम है कल जो ये प्रोग्राम में चलने भाई चारों को मैं तमाम आप शुक्रिया से ख्वाहिश करता हूँ कि इसके जिस तरह आपने इस दिन इस प्रोग्राम में आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं, उसी तरह कल के प्रोग्राम में भी आप अपने दोस्त अहबाब के साथ इस प्रोग्राम को देखें और हिम्मत अफजाई करें ताकि हम हमारे कौम की तामीर और मुल्क की तामीर में हम अपना हिस्सा अदा करें। मैं जनाब अजहर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि कंक्लूडिंग स्पीच रखें, शुक्रिया अदा करने के लिए। जज़ाकअल्लाह सर, तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी जज़ाकअल्लाह। अजहर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कंक्लूड कर दें। सर करीम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, करीम साहब बोलिए सर। भाई सर मैं ये बोलना चाहता अजहर साहब कि आज का जो प्रोग्राम रहा ना क्लियरली एक ऑडियो क्लिप में तो मुनासिब होगा। ओके सर, टीम काम कर रही है, आप ठीक की इंशाल्लाह आपको ठीक मिल जाएंगी सर। ओके बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह, अगर उसको हम इत्मीनान के साथ सुनने के लिए जो डिस्टर्बेंस थे अगर वो नहीं आया तो अच्छा था, वो टीम से हमारी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश के लिए हम अपनी जान भी लगा लेंगे, फिक्र रहिए इंशाल्लाह आपको लिख मिल जाएगी सर। जज़ाकअल्लाह। जी मैं टाइटा की स्टेट की तरफ से सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल आप अपने दोस्त अहबाब के साथ इस मीटिंग में शरीक होंगे। कल आप इंशाल्लाह यूसुफ साहब को ज्यादा वक्त देंगे सर, इंशाल्लाह कल का सेशन बहुत अहम है, अगर और जरूरत है तो एक और दिन हम एक्सटेंड भी करने की कोशिश करेंगे सर। मैं आदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वोटर बैंक के जरिए प्रोग्राम खत्म करें और इसकी लिंक दे दें सर। ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह। मैं तमाम पार्टिसिपेंट का आखिर में एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ आईटा डिस्ट्रिक्ट संगाटे की जानिब से। इंशाल्लाह कल ठीक तीन बजे कल ठीक तीन बजे पेरेंटिंग के, लेकिन पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है। कल का टॉपिक जो पेरेंटिंग पे है पूरा साइंटिफिक टॉपिक है, एक रिसर्च पेपर के जो भी रिसर्च किया गया है पेरेंटिंग के ऊपर वो टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। इट्स वेरी साइंटिफिक, टुमारोस टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ज्यादा से ज्यादा जरूरत है आजकल। टीनेज में क्या प्रॉब्लम है, आज जो बच्चों की परवरिश हो रही है कल के दिन का फ्यूचर क्या होने वाला है वो आपको दिखेगा कल। सो कल का पेरेंटिंग टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ये आज का हमारा पहला सेशन था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहने की वजह से प्रॉब्लम हुआ, इंशाल्लाह कल ये सब चीजों को रेक्टिफाई किया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।